तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। अच्छा देखो, हमारे गुजरात में ना आजकल 2-3 दिनों से इतनी बारिश और ऊपर से साला ठंड तो इतनी खतरनाक है कि सारा का सारा बर्फ ही बना हुआ है। अगर हम टॉयलेट में जाते हैं ना, साला पिछवाड़ा धोने का पानी भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज सारा का सारा बर्फ जम गया, इतनी ठंडी पड़ रही है। मतलब हालत देखो कैसी है। अच्छा, ऐसे ठंडे के माहौल में अगर मतलब एक गर्मा गर्मी वाला जो माहौल कहीं पर क्रिएट किया है ना, तो भाई वो है अल्लू अर्जुन ने। बिकॉज अल्लू अर्जुन की भाई मूवी आ रही है पुष्पा द राइस 17 दिसंबर को। एंड इस महीने में देखो अभी मतलब इसमें ट्रेलर का टीजर निकाल के ये लोग लेके आए। एंड टीजर की सबसे बड़ी खास बात थी भाई, अल्लू अर्जुन का लुक तो छोड़ दो, भाई जितने जितने भी विलन थे ना, उस विलन को हमको इस टीजर के अंदर आपको देखने को मिल गया। जो भी लोग ने नाम दिया है टीज का या फिर टीजर का, एक ट्रेलर का ये लोग टीजर निकाल के लेके आए। एंड भाई टीजर मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतना जबरदस्त लगा है मेरे को, बिकॉज सारे के सारे विलन हमको देखने को मिल गए। अल्लू अर्जुन का वो लुक एंड अल्लू अर्जुन जिस तरह से वो गाड़ी घुमा रहा है भाई, मतलब हर एक चीज एकदम फैंटास्टिक। एंड भाई देखो, अब तो मतलब कुछ बहुत ही कम टाइम बचा है, अल्लू अर्जुन हमको 17 दिसंबर को थिएटर में मिलने वाले। एंड भाई देखो, सबसे बड़ी बात यार, अल्लू अर्जुन हिंदी में आ रहा है यार। देखो यार, अभी तो देखो कैसा समाना चल रहा है ना कि भाई सीधा मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मूवी देखने जाता है ना, अगर उसको अच्छी लगती है ना तो 10 को बोलता है, 10 लोग अब लोग देखने जाते हैं। मतलब तो ज्यादा ऐसे चलता है कि मूवी की अगर रिव्यूज ठीक ठाक आते ना तो मूवी चल पड़ती है, अगर रिव्यू खराब है ना तो मूवी कोई देखने के लिए जाता ही नहीं है, बिकॉज आजकल इंटरनेट का जमाना है। तो ये मूवी अगर अच्छी हुई ना तो भाई मतलब अब छप्पड़ फाड़ के कमाई करने वाली है। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका प्रमोशन सही से नहीं हुआ, ट्रेलर को ट्रेलर बहुत टाइम पहले निकाल देना चाहिए था, फिर वो अंतिम द फाइनल रोड या फिर सत्यमेव जयते 2 है ना। अभी देखो अभी अभी भी 2-4 मूवी थिएटर में आ रही है उससे पहले, पुष्पा द राइस से पहले। तो भाई अगर उसमें उनके मूवी में अगर ये ट्रेलर को रखते हैं स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा अच्छा प्रमोशन हो सकता था। बट यार देखो, जो भी है यही है, अब ये लोग का काम बाकी रहेगा तो क्या कर सकते हैं। अब देखो 6 तारीख को तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बिकॉज यार इसका टीजर इतना ज़बरदस्त है, ट्रेलर कितना ज़बरदस्त होगा आप सोचो यार। एक तो मतलब इसके अंदर वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जितने भी विलन्स थे ना उसको एक टीजर में उनका कुछ लुक देखने को मिला है हम लोगों को। एंड भाई अल्लू अर्जुन जो स्टंट कर रहा है, उनका जो मतलब स्टाइल है वो तो एकदम गजब ही है, एकदम गजब है वो बंदा। अब देखो पुष्पा द राइस रिलीज होने को कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, पुष्पा द राइस का ट्रेलर भी निकलने का आने वाला है भाई, मतलब एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अच्छा ये टीजर की तो क्या ही बात करें, अल्लू अर्जुन का लुक, रश्मिका मंडाना का इतना कुछ खास लुक देखने को नहीं मिला है, पर रश्मिका मंडाना भी देखने को मिल जाती है इसमें, हमको विलन्स भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब इस मूवी में इतने सारे विलन्स होने वाले हैं कि भाई मतलब आप पूछो ही मत। अच्छा देखो, पुष्पा द राइस रिलीज होगी ना तो बहुत मजे आने वाले। अच्छा देखो, बहुत लोग बोल रहे हैं स्पाइडरमैन के साथ इसका क्लेश होगा ना, स्पाइडरमैन कुछ ज्यादा ही कमाई कर लेगी, ये मूवी कहीं दिखेगी भी नहीं। अरे घंटा ऐसा कुछ भी नहीं है, घंटा इसका लेवल ना किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं होने वाला है, बिकॉज इसमें हमारे देश की संस्कृति देखने को मिलने वाली है। आप देखो इस टीजर के अंदर जो मतलब सीन हमको देखने को मिल रहा है, इतने ब्यूटीफुल देखने को मिल रहा है, वो चंदन की लकड़ियों वाला ले लो, मतलब जो जंगल के जो सीन शॉट ले लो। अरे घंटा हमारे जो इंडिया के संस्कृति में जो बात है ना, घंटा हॉलीवुड के वो VFX UFX में वो बात है ही नहीं, एक बात याद रख के चलो ठीक है। अभी मूवी रिलीज होगी ना तभी पता चलेगा कौन सी मूवी कितना कमाई करती है। एनीवेज देखो भाई, ट्रेलर का ये लोग ने टीजर बना के लेके आए, टीजर मेरे को काफी जबरदस्त लगा है, खास करके जो अल्लू अर्जुन का जो मतलब स्टार्टिंग में ये लोग जो बैक साइड का जो लुक था ना वो तो एकदम जबरदस्त था, एंड जो लास्ट में वो बंदे का जो स्टाइल फेमस हुआ ये वाला वो तो एकदम घायल ही कर दिया उसने। अब देखो 6 दिसंबर को तो भाई पूरा सोशल मीडिया हिलने वाला है, उससे पहले का जो टीजर तो जो टीज था ना इन लोग का एकदम मेरे को जबरदस्त लगा है। आप लोगों को कैसा लगा इन लोग का जो टीज या फिर टीजर जो भी था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड 6 दिसंबर का आप लोगों को कितना इंतजार है, एंड भाई उससे भी ज्यादा मुझे 17 दिसंबर का है, आप लोग कितना वेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैठे लगा चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।